अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 12th स्टैंडर्ड का एक और सब टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, मेंटल हेल्थ यानी कि जहनी तो इंसान का साउंड होना, उसका ठीक होना, उसकी वेलबींग होना जहनी तौर, और दिमाग का हर मामले में साफ सुथरा होना, हर एक बुराई से पाक होना, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इफादियत क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो पहला जो इसमें यह है कि पहली चीज जो है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन में, मेंटल हेल्थ अगर साउंड होगा तो पहली इसमें क्या बात आती है कि फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल साउंड हो जाती है। जब इंसान की नफ्सियात, जब इंसान का दिल और दिमाग बिल्कुल साउंड हो, इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, इंसान की नफ्सियात अच्छी हो, तो इंसान का जो फिजिक है, जो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि दिल और दिमाग का बिल्कुल साउंड होना, हेल्दी होना, ये इस बात की गारंटी देता है कि इंसान खुश है। तो खुशी जो है इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अक्सर और बेहतरीन टॉनिक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में इंसान पहले इंसान की हेल्दी हेल्दीनेस ओवरऑल सामने आ जाती है। तो पहले हम बात करेंगे इसमें कि हेल्दी फिजिक, जिस्म का बिल्कुल तनावर होना, तंदुरुस्त होना, यह बहुत ही जरूरी है। इसमें इंसान जो है एनर्जेटिक बन जाता है, बिल्कुल जोश जज्बे के साथ, एक वलवली के साथ हर एक काम करता है। जब इंसान की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जब इंसान का फिजिक अच्छा होता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जिस्म से डिस्पेल हो जाती है। जिस्मानी तौर पर अगर हम बात करेंगे, पहली बात यह है कि स्लॉथनेस और आइडलनेस, जो इंसान में कम हिम्मती जो होती है, काहली जो होती है, सुस्ती जो होती है, बोधापन जो होता है, वो बिल्कुल दूर हो जाता है जब इंसान का फिजिक अच्छा हो, जब इंसान की मेंटेलिटी यानी कि मेंटल हेल्थ जो है अच्छी हो। तो पहले स्लॉथनेस यानी जिसको कम हिम्मती और काहली जिसको कहते हैं वो दूर हो जाती है। और एक चीज इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान सेल्फ डन यानी कि खुद काम करना शुरू करता है, तो इसे बहुत ही बेहतरीन चीज सामने आ जाती है, वो है कि डिपेंडेंसी एंड हेल्पलेसनेस, यानी कि किसी पर निर्भर होना, किसी पर इंसान का दारोमदार होना, और बेयारो मददगार जिसको कहते हैं हेल्पलेस, वो सब चीजें दूर हो जाती है। इंसान खुद कमा सकता है, अपने हाथों से कमा सकता है, तो डिपेंडेंसी और हेल्पलेसनेस जो है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और एक अहम चीज इसमें आती है कि आइडल माउथ, जब इंसान बेकार घर में पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता, यानी कि जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो, वो डिप्रेशन का शिकार होता है, वो एंग्जाइटी का शिकार होता है, बहुत सारे इसमें मर्ज जो है वो हावी हो जाते हैं जिस्म पर, तो आइडल माउथ बेकार रह जाता है। फिर बेकार रहने से पुअर्टी आ जाती है, और पुअर्टी से फिर इंसान जो है समाज में
ह्यूमिलेशन का शिकार हो जाते हैं, तजलील का शिकार हो जाते हैं, जलाल का शिकार हो जाते हैं, अपने रिश्ते भी जो है इससे दूर भाग जाते हैं, तो कोई इससे कोई रिश्ता नाता जो है जोड़ना नहीं चाहता है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है सोसाइटी में, एक तन्हा ही इंसान रह जाता है। तो मेंटल हेल्थ और हाइजीन का होना बहुत ही जरूरी है। तो पहले जो है फिजिक जो है हमारा हमारी जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहती है, एक बात। दूसरी बात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो जब मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंसान की होती है। तो पहले इसमें आता है थिंकिंग, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंसान की सोच जो है, उसकी शुद्ध बुद्ध जो है रीजनिंग, और उसकी फहम कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, और इसका इदराक जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव बन जाता है, वो समड़ बन जाता है, इंसान एक जीरक शख्स बन जाता है। इसमें एक और चीज आ जाती है कि ये एक फिलोसफिकल टर्म है कि व्हाट टू डू व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, एक बात। दूसरी व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, ये बहुत ही दो अहम बातें हैं, फिलोसफिकल टर्म्स है कि व्हाट टू डू क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करना है। इसका मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग। इंसान कभी कहता है कि मुझे ये फैसला एक साल पहले, दो साल पहले, तीन साल पहले लेना चाहिए था, लेकिन जो जीरक लोग होते हैं, जो जिनकी अच्छी शुद्ध बुद्ध हो, जिनकी अच्छी फहम हो, जो दाना हो, वो राइट टाइम पर राइट काम करते हैं और अच्छी तरीके से भी करते हैं। और एक चीज व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है किसी भी महफिल में, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे वो निजी लाइफ हो, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ हो, चाहे कुछ और हो, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक कब बोलना चाहिए, हाउ टू स्पीक और कैसे बोलना चाहिए, ये भी इंसान के लिए बहुत ही अहम है। इन दोनों चीजों से इंसान जो है ये वाइज तसव्वुर किया जाता है, इससे विजडम जो है इंसान की छलकती है, ये इंसान कितना दाना है, कितना चालाक है, कितना जीरक है, कितना होशमंद है। तो जब इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो ये चीजें जो है ऑटोमेटिकली सामने आ जाती है। तीसरी चीज जो है कि मॉरल डेवलपमेंट हो जाती है, मॉरल डेवलपमेंट। तो इंसान की जो मेंटालिटी जब भी अच्छी हो, जब इंसान का अच्छा मेंटल हाइजीन हो, अब मेंटल हाइजीन की बात करेंगे हम, क्योंकि हाइजीन जो है वो सब्जेक्टिविटी से ताल्लुक रखता है, वो दिल से ताल्लुक रखता है, और दोनों की कोऑर्डिनेशन से इंसान की सब्जेक्टिविटी बनती है, बातिन बनता है। तो मॉरल डेवलपमेंट में क्या है कि जो ये इंसान है, पहले इसमें क्या हो जाता है कि इम्पोलाइटनेस खत्म हो जाती है इस इंसान में, इसमें क्या जन्म लेती है, पोलाइटनेस, यानी कि नाशाइस्तगी खत्म हो जाती है, उसकी जगह पोलाइटनेस यानी कि शाइस्तगी इंसान में मुहज़्ज़िबपन आ जाता है। और एक चीज पेसिमिज्म या पेसिमिस्टिक अप्रोच खत्म हो जाता है, उसमें ऑप्टिमिस्टिक जो उसका एटीट्यूड है वो सामने आ जाता है। और एक चीज इलविल जिसको बदनीयती कहते हैं, इलविल जो है वो खत्म हो जाती है। अब जन्म क्या लेता है इसमें,
गुडविल, नेक नियति इस इंसान के अंदर आ जाती है जिसकी मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन अच्छी हो। और एक चीज, इंसान जो है एनवियस, बहुत सारे इंसान इस दुनिया में है एनवियस है। एनवियस कहते हैं कि बदंदेश को या बदख्वाह को, बुरा ही बुरा जो चाहता हूं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो निजी लाइफ हो, चाहे वो लोकल लाइफ हो, चाहे वो नेशनल लाइफ हो, चाहे इंटरनेशनल लाइफ हो, हर एक चीज में इसका दिल जो है नेगेटिव से भरा होता है। बदंदेश, हर एक का बुरा चाहने वाला, इसको हासिद भी कहते हैं, इसको फासिद भी कहते हैं। और एक चीज ये खत्म हो जाती है इंसान में, तो वहां पर ये इंसान वेल विशर बन जाता है, खैर ख्वाह बन जाता है और बेनिवोलेंट बन जाता है, यानी कि खैर ख्वाही, खैर सगाई का जज्बा इसके दिल में आ जाता है। हर एक चीज, हर एक मामले में इसके अंदर खैर ही खैर जन्म लेता है। तो और एक चीज कि हैट्रिड जो है, नफरत, नफरत इसके दिल में खत्म हो जाती है, तो वहां पर जन्म लेती है लव, सिंपैथी, सिंपैथी एंड फेलो फीलिंग्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। तो ये मॉरल डेवलपमेंट में आता है। जब और एक चीज कि क्रुएलिटी या विकर्डनेस खत्म हो जाता है, तो वहां पर मीकनेस आ जाता है एंड माइल्डनेस। मीकनेस यानी कि मीक इंसान, हलीम, हिलम इसमें आ जाता है, बर्दबारी आ जाती है। और एक चीज कि माइंड वो शरीफ बन जाता है, ठीक, हर एक मामले में। तो क्रिमिनलिटी जो है वो जालिमानापन जो है वो खत्म हो जाता है, तो इंसान में हिलम आ जाता है, उसमें शराफत आ जाती है। तो ये मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन की बात, क्योंकि बहुत सारे इंसान हमने देखे हैं, हिस्ट्री में भी इनका जिक्र है, सोसाइटी में, कि कुछ इंसान ऐसे होते कि ऑटोमेटिकली जो है सडनली एब्रप्टली वो चेंज हो जाते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं एस्ट्रे यानी कि गुमराही का रास्ता इख्तियार करते, कुछ बहुत ही बुरे लोग होते हैं लेकिन एन वक्त उनका तौबा कबूल हो जाता है, वो बिल्कुल राह हुदा इख्तियार करते हैं, बिल्कुल राइट पाथ जो है इख्तियार करते हैं। और एक अहम चीज इसमें है कि अब हम बात करेंगे, जब इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी हो, इसकी मेंटल हाइजीन अच्छी हो, तो सोशल डेवलपमेंट भी हो जाती है। सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट में पहली बात जो है वो है कि सोशल एफिशिएंसी, समाज का हर मामले में बिल्कुल एफिशिएंट होना, बेहतरीन होना, खुशहाल होना, तरक्की याफ्ता होना, प्रोग्रेसिव होना, डेवलप्ड होना, उसी को सोशल एफिशिएंसी कहते हैं। तो सोशल एफिशिएंसी में पहले ये जो मेंटल हेल्थ जिसकी अच्छी हो, मेंटल हाइजीन जिसकी अच्छी हो, वो पहले आइडियल सिटीजन बन जाता है, आइडियल सिटीजन एंड प्रेज वर्दी सिटीजन, काबिल तारीफ शख्स वो समाज में बन जाता है हर एक मामले में, चाहे वो किसी की इमदाद का मसला हो, किसी के साथ खैर सगाली का जज्बा हो, किसी की किसी के साथ हमदर्दी जतानी हो, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, पर्सनल लेवल पर हो, घरेलू लेवल पर हो, हर एक मामले में यानी कि आइडियल सिटीजन बन जाता है, प्रेज़वर्दी सिटीजन बन जाता है। तो ये सोशल डेवलपमेंट आ जाती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि उसकी सोशलाइजेशन जो है वो बहुत हेल्दी होती है। और एक चीज कि कस्टोडियन एंड ट्रस्टी,
वो एक निगरान बन जाता है, मुहाफिज बन जाता है, जामिन बन जाता है, अमानतदार बन जाता है। किसका? यानी कि उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज, जो भी ये जखायर वसायल होते हैं, इनकी ये कदर करता है। यानी कि जो भी इसके बस में होता है, पर्सनल लेवल पर हर एक से ये बात करता है कि इन चीजों को जाया मत करो, ये मत करो, वो मत करो। यानी कि एक सेंस होता है इसके पास कि नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज जाया नहीं होने चाहिए। ठीक। और एक चीज कि लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, ये जज्बा भी इसके दिल में आ जाता है कि जियो और जीने दो। कि समाज में जो भी लोग हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो और जानवर हो, तो लिव एंड लेट लिव का जज्बा भी इसके साथ सामने आ जाता है। मेंटल हेल्थ अच्छी हो, मेंटल हाइजीन अच्छी हो। और एक चीज कि नेशन, एक कौम जो है स्ट्रांग, प्रोग्रेसिव, प्रॉस्पेरस बन जाए, कि कौम या सोसाइटी अपनी स्ट्रांग बन जाए, मुस्तकम बन जाए, मजबूत बन जाए, प्रोग्रेसिव तरक्की याफ्ता, प्रॉस्पेरस खुशहाल बन जाए हर एक मामले में। इसीलिए इसका काम रहता है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करना, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करना, यानी कि इकाई का काम करना। यानी अपनी लेवल पर ये, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, जिसकी मेंटल हाइजीन अच्छी हो, तो अपनी लेवल पर ये कोशिश करता है कि मैं समाज को कुछ दूं, मैं समाज को कुछ दूं, मेरे से समाज को कुछ फायदा पहुंचना चाहिए। ये इसके अंदर ये जज्बा भी आ जाता है। नेशन लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी और रात चौगुनी किस तरह तरक्की करेगा, सोसाइटी का खैर खा होता है, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। तो आज हमने बात की नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन की क्या अहमियत है, इसकी क्या इफादत है, आज हमने इस पर आपके सामने कुछ बातें अर्ज की, आपके सामने कुछ बातें शेयर की। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो और खुश रहो।